हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास टेंथ के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का ये वीडियो होने वाला है क्लास टेंथ संस्कृत का सब्जेक्टिव का, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ में अभी तक आप अगर चैनल से नहीं जुड़े तो उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग को सारा ओरिजिनल पेपर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो और सारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग का ओरिजिनल पेपर यहाँ से स्टार्ट है, जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना। यहाँ पर से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक है, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो गद्यांश यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका उत्तर प्रश्न भी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। उसके बाद फिर दूसरा गद्यांश आप लोग का है, यहाँ पर अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश का आधा कुछ पार्ट उधर है और कुछ पार्ट यहाँ पर है, आप लोग को इसको पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे सारा का आंसर करना है। वैसे हमने सारा का आंसर किया हुआ है। उसका यहाँ पे तीसरा नंबर में आप लोग देखिएगा तो आठ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आठ प्रश्नों का उत्तर आप लोग को दिया गया है, जिस जिसमें टिक लगा हुआ है सारा का प्रश्न किया गया है। उसके बाद आगे चार नंबर का है, पाँच नंबर का है, पाँच नंबर में आपका इसका आंसर मिल जाएगा और ये छः नंबर में आपका ऊपर से जो छः है इनका छः का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे समूह ब में यहाँ पे आप लोग का जो गद्यांश दिया गया उसका यहाँ पे पहला का क का अस्मिन छात्र दिवने जीवने। उसके बाद ख नंबर का हो जाएगा सदा सदाचारस्य सम संयम निम्न। उसके बाद छात्र जीवन निर्णय सर्वांगीण विकास सार्थम अति महत्वपूर्ण भवती। उसके बाद सफल छात्र जीवनम मानवता विकास क्रमे प्रथम सोपानम। उसके बाद छात्र जीवनम, ठीक है, इसका तीसरा हो गया कमापि न कमापि आदर्शनम। उसके बाद है आदर्श चित्रिता। उसके बाद है एतेषा सर्वेषा प्रश्नाना समाधानम रामायणते प्राप्ते। उसके बाद है रामायणम अस्पष्टतम उद्घोषित यत अनम सत्यमेव जयते। उसके बाद यहाँ तीन का क आप लोग का यहाँ पटना का प्रमुख पर्यटक स्थल पूछ रहा था, तो उसका यहाँ पे आप लोग का आंसर हो गया। आप लोग को इसको आराम से स्क्रॉल करना है और लिख लेना है। तीन का ख का आप लोग का आंसर यहाँ पर है, इसको आप लोग को लिख लेना है। तीन का ग का आप लोग का यहाँ पर आप लोग का आंसर है, इसको आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे तीन का घ का ये आप लोग का आंसर हो गया, इसको लिख लेना है। उसके बाद तीन का च का आप लोग का आंसर ये हो गया, इसको आप लोग को लिखना है। उसके बाद तीन का ठ का अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर है तीन का यहाँ पे डॉट, तीन के ड के लिए आपका ये आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया चार का ख के लिए स्मार्ट विद्यालय, यहाँ पे आप लोग को ये मिल गया। उसके बाद यहाँ से आप लोग का ट्रांसलेशन है, जैसे राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, इसका हो जाएगा आपका लक्ष्मण आपि रामेण सह वनम अगच्छत। उसके बाद है प्रियांशु शहर से घी लाता है, तो प्रियांशु अनगरात घृणत अनायति। उसके बाद जल में मगरमच्छ रहता है तो ग्राहा जल निवस्ती। उसके बाद है वह पटकर घूमने चला जाता है तो स अध्ययनत कृत्वा भ्रमणार्थ गच्छति। उसके बाद भारतवर्ष देवों की भूमि है तो भारतम देवभूमि आस्ति। उसके बाद है चार भाइयों में राम सबसे बड़े थे तो चतुर्ना भारतव्य मध्य राम ज्येष्ठ आसित। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए।